योग का मतलब अपने शरीर को मोड़ना नहीं है, नहीं अपने सर के बल खड़े होना या सांस को रोकना या ऐसी कोई और फालतू बात। इस दुनिया के सभी धर्म लंबे समय से ये चिल्लाते आ रहे हैं कि ईश्वर हर जगह है। जब आइंस्टीन ने कहा E=mc² तो वो उनके जीवन का अनुभव नहीं था, वो बस उनका एक गणितीय निष्कर्ष था। ये सवाल योग से संबंधित नहीं है सद्गुरु, मैं यहाँ कई सवालों के साथ आई और उनमें से एक ये है कि इस ब्रह्मांड को क्यों बनाया गया था। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैंने तो ये किया नहीं है। अभी पहले आपने ये कहा कि ये योग से संबंधित नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो योग से संबंधित ना हो, क्योंकि योग का मतलब है मिलन। योग मतलब अपने शरीर को मोड़ना नहीं है, नहीं अपने सिर के बल खड़े होना या अपनी सांस को रोकना या ऐसी कोई और फालतू बात। योग का मतलब है मिलन। मिलन मतलब सब कुछ अपने में शामिल कर लेने का गुण। आपके अनुभव में हर चीज एक हो गई है। अब यह कोई हमारा आइडिया नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि ऐसे ही बनी है कि ये सर्वसमावेशी है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप दूसरी चीज से अलग कर सकें। आज आधुनिक विज्ञान बिना किसी संदेह के यह सिद्ध कर रहा है कि सारी सृष्टि बस एक ऊर्जा है। हाँ, दुनिया के सभी धर्म लंबे समय से यह चिल्लाते आ रहे हैं कि ईश्वर हर जगह है। चाहे आप ये कहें कि ईश्वर हर जगह है या फिर ये कहें कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है, आप अलग अलग सच्चाइयों की बात कर रहे हैं, एक ही सच्चाई की। ईश्वर हर जगह है, सब कुछ एक ही ऊर्जा है, क्या हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं? एक वैज्ञानिक ने कभी यह अनुभव नहीं किया होता है, उसने बस गणित से यह निष्कर्ष निकाला है। जब आइंस्टीन कहते हैं E=mc² तो वो उनके जीवन का अनुभव नहीं है, वो बस उनका गणितीय निष्कर्ष है। एक धार्मिक व्यक्ति ने भी यह कभी अनुभव नहीं किया होता है, उसने बस इसे मान लिया होता है क्योंकि वो जिसे मानता है उसने ऐसा कहा है। Now yoga means you are a hard case, you are not willing to settle for deductions or belief systems, you want to know it. अब योग मतलब आप अड़ियल टाइप के हैं, आप निष्कर्षों या मान्यताओं पर सेटल होने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको इसे जानना है। तो अगर आप यहाँ बैठे हैं और सारी सृष्टि को खुद के ही रूप में अनुभव कर पाए तब आप योग में हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो योग से संबंधित ना हो, ठीक है, ये बिल्कुल है। अब आप जो पूछ रहे हैं कि सृष्टि क्यों बनी है ना, जब भी सृष्टि के बारे में बात हो तो आप कभी ये क्यों है नहीं पूछते हैं, आप पूछते हैं ये कैसे है। क्योंकि अगर आपने पूछा ये क्यों है तो मैं आपको कुछ ऐसा सुना सकता हूं कि हुआ यूं कि एक दिन भगवान के पास कोई काम नहीं था, वो कंचे खेल रहे थे। एक कंचा इस तरफ गिर के पृथ्वी बन गया, दूसरा ऊपर उड़ गया और सूरज बन गया। क्या मैं इसे जारी रखूं? ये एक मजाकिया सी कहानी है, आपको ये अच्छी नहीं लग रही, पर मैं एक बढ़िया लंबी चौड़ी कहानी भी सुना सकता हूं जिस पर आप विश्वास करना चाहेंगे। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, बस अगर मैं आपको और विस्तार से कहानी सुनाऊं तो आप विश्वास कर लेंगे, है ना? अगर आपने विश्वास कर लिया तो आपके पास एक दिलचस्प कहानी होगी, एक पॉजिटिव कहानी, और अगर आपने विश्वास नहीं किया मेरी कहानी पे तो आपके पास एक नेगेटिव कहानी होगी। लेकिन दोनों ही तरह आप सच्चाई से उससे और नजदीक नहीं पहुंचने वाले जहां पर आप अभी हैं, है ना? हाँ या नहीं? अगर आप मेरी कहानी में विश्वास कर लें तो क्या ये आपको नजदीक पहुंचाएगी? अगर आप मेरी कहानी में विश्वास ना करें तो भी क्या आप नजदीक पहुंचेंगे? नहीं, आपके पास सिर्फ कहानियां होंगी। हो सकता है मैं जो आपको बता रहा हूं एक सच्ची कहानी हो, अगर ये कहानी सच्ची भी है तब भी ये आपको सच्चाई तक नहीं पहुंचाती, है ना? हो सकता है मैं आपको एक सच्ची कहानी सुना रहा हूं, पर अगर ये कहानी सच भी हो तो आपके अनुभव में ये बस एक कहानी ही होगी, है ना? कहानियां आपका मनोरंजन करेंगी, कहानियां आपको सांत्वना देंगी, पर कहानियां आपको मुक्त नहीं करेंगी, आपको ये समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये आपको ये निर्णय कर लेना चाहिए कि आप सांत्वना की खोज में हैं या आप समाधान की खोज में हैं। अगर आप सांत्वना की खोज में हैं तो आप गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि मैं यहां किसी को सांत्वना देने के लिए नहीं हूं, मैं यहां आपको अंदर तक झकझोर देने के लिए हूं। अगर आपने सवाल नहीं पूछे तो मैं आपके लिए इन सवालों को खड़ा कर दूंगा।
ये वो जगह नहीं है जहाँ बोला जाएगा सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, चिंता मत करो, सब बढ़िया हो जाएगा। लंबे समय से आपको ये बताते आ रहे हैं। यह आपको आज रात अच्छे से सोने में मदद करेगा। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है कि आप अच्छे से सोए या नहीं, मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि आप कल सुबह जागृत हो उठें। आपका इंटरेस्ट किसमें है? तो लोगों का फोकस इस पर है कि आपको सुलाया कैसे जाए, इसलिए उन्होंने आपको कहानियां सुनाई हैं। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर आप मुझसे क्यों पूछेंगे तो मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुना सकता हूं, है ना। अभी फिलहाल ये प्रश्न इसलिए उठा है, देखिए अगर आप अभी परमानंद में होते तो क्या आप पूछते कि यह सृष्टि क्यों बनी है? आपको तो बड़ी खुशी होती कि आपको बनाया गया है ना। अभी जीवन का अनुभव किसी तरह से एक बोझ सा बन गया है, तभी आप पूछते हैं ये सब क्यों बनाया गया है। तो पहले आइए जीवन के अनुभव को बदलते हैं, तभी सही सवाल निकल कर आएंगे। अभी सवाल ही एक गलत दृष्टिकोण के साथ आ रहा है, क्योंकि आप इस प्रश्न को गहराई में समझकर नहीं पूछ रहे हैं। बड़ी आसानी से आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि मेरे अस्तित्व का आधार क्या है, आप पूछ रहे हैं कि मेरे अस्तित्व की प्रकृति क्या है, पर आप इसे बस यूं ही पूछ रहे हैं क्योंकि अब तक आपने अज्ञानता की पीड़ा को नहीं जाना है। आप अब भी अपनी अज्ञानता के मजे ले रहे हैं। आप अब भी मानते हैं कि अज्ञानता आनंद है। अज्ञानता की पीड़ा ने आपको चीर के अलग नहीं किया है। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं इसका उत्तर बिल्कुल अलग तरह से देता। अगर आप सवाल ही ना पूछ पाते, अगर बस इसके बारे में सोचने से आपके आंसू बहने लगते, तब मैं इसका जवाब बिल्कुल अलग तरह से देता, जो शब्दों में नहीं दिया जाता। पर अभी आप इतने साफ शब्दों में ये पूछ रहे हैं, आप अभी तक इस प्रश्न की गहराई को नहीं जानते हैं जो आप पूछ रहे हैं।